हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कल शाम को हमने ये सब सारे बॉटल जो कि वेस्ट था, और ये एक फिनाइल का था और एक ये तिल्ली के तेल का था, और ये छोटा छोटा जो है कोकोनट का जूस का है जो कि मैंने आपको इससे पहले भी दिखाया था। तो देखिए हमने ये चार वेस्ट मटेरियल का पॉट बनाया जो कि हम फेंक देते हैं। तो इसमें फ्रेंड्स अभी अभी हमने एक ये नीम का कटिंग लगाया है और एक ये मीठी नीम का लगाया है। आप देख सकते हैं पत्तियों को हमने सब हटा दिया है, अब पत्तियों का हम फर्टिलाइजर बना देंगे फ्रेंड्स। ये देखिए इसको पीस के और पानी में मिला के हम अपने प्लांट्स को दे देंगे जिसमें कीड़े वगैरह लगे हैं, और नहीं तो फिर इसको हम सुखा के अपने प्लांट्स में डाल देंगे फ्रेंड्स। तो इस तरीके से वेस्ट मटेरियल को आप बिल्कुल नहीं फेंकें, और हम इस तरीके से फेंक देते हैं। और ये देखिए पानी में हमने इसे डाला है और ये लंटाना की कटिंग हमने लगा दिया है। आप किसी भी चीज़ का भी कटिंग को आप लगा सकते हैं फ्रेंड्स। और ये देसी लंटाना है और देखिए कितना खूबसूरत इसका फ्लावर है, आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत ऑरेंज और एक पिंक भी आता है। तो इस दोनों में, इस छोटू से पॉट में, इसे देखिए कितना खूबसूरत सा हमने पेंट करके और बना दिया है। और ये देखिए फ्लावर, ये दो फ्लावर बना दिया है दोनों के ढक्कन का, ये दो फ्लावर। और इससे पहले भी हमने ये देखिए दो फ्लावर बनाया है जो कि ये देखिए इसे स्टैंड में रख दिया है, ये जो कि पिज्ज़ा में मिलता है, तो इसे भी नहीं फेंका है और इसी में ऐसे डाल दिया है फ्रेंड्स। देखिए कितना खूबसूरत ये, देखिए। तो किसी भी चीज़ को फेंकना नहीं है, सभी चीज़ का हमें रीयूज कर लेना है। और इस तरीके से ढेर सारे कटिंग को लगा देना है। तो देखिए इसमें हमने फ्रेंड्स पर्पल हार्ट को लगाया है, दो पर्पल हार्ट और एक ये मीठी नीम और एक नीम का प्लांट। तो नीम का प्लांट बहुत ही शुभ होता है, पूजा पाठ करने के लिए ज़रूर होना चाहिए, जिस तरीके से केला होना चाहिए। आप देख सकते हैं केला कितना मेरा हेल्दी हुआ है, ये देखिए। और इसकी देखिए न्यू पत्तियां आ रही हैं फ्रेंड्स, और एक देखिए यहाँ पे केला निकल भी रहा है। तो इसको निकाल के फिर से आप दूसरे पॉट में लगा दीजिए। तो नीम का प्लांट ज़रूर होना चाहिए, नवरात्र के दिनों में तो विशेष करके नीम की प्लांट की पूजा होती है, और वैसे हर दिन भी हम कर सकते हैं फ्रेंड। तो नीम भी आप ज़रूर लगा लें अगर नहीं लगाया है तो। और इस फ्लावर को देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है फ्रेंड्स। तो पर्पल हार्ट, नीम, मीठी नीम और ये लैंटाना को हमने पानी में डाला है फ्रेंड्स। तो इस समय बारिश के मौसम में, सावन के महीने में जितने भी प्लांट हैं, वैसे तो सभी प्लांट शुभ होते हैं, लेकिन जैसे बेलपत्र हुआ, समी हुआ, पारिजात हुआ, नीम हुआ, मीठी नीम भी शुभ होता है, और ये नीम तो ये पूजा पाठ देवी जी का इसमें वास होता है, तो देवी जी का ये प्लांट है और देवी जी की पूजा होती है नीम की। आप सभी के घरों में ही होती है, शीतला माता की जल नीम के पेड़ में ही चढ़ाया जाता है फ्रेंड्स। तो सावन के दिनों में जो पूजा होती है, बस यौरा जिसको बोलते हैं, तो नीम के प्लांट में ही पूजा होती है। तो इसलिए नीम का प्लांट मेरे पास नहीं था, तो मैंने कटिंग को लगा दिया है और एक और लगाया अभी दिखाऊंगी। तो इस तरीके से वेस्ट मटेरियल का आप रीयूज करके थोड़ा बहुत पेंट कर लीजिए, अगर नहीं करना है तो ऐसे भी आप लगा सकते हैं फ्रेंड्स। और इस बारिश के मौसम में, इस सावन के महीने में ढेर सारे कटिंग को लगा लीजिए और देखिए कितना बढ़िया हेल्दी सा हमारा शहतूत का प्लांट हो गया है। और ये देखिए हमने कटिंग ही लगाया था, ये देखिए। और ये देखिए हमने प्लूमेरिया का कटिंग लगाया है और देखिए वो भी लग गया है फ्रेंड्स। और इधर देखिए तुलसी जी नहीं थी तो छोटा सा ही लगाया है, अभी देखते हैं लग जाना चाहिए। और ये दुब का प्लांट आपको पता ही है कि कितना शुभ होता है, तो इसे भी रहना चाहिए। और सिंगोनियम देखिए कितना खूबसूरत है,
एक से हजारों प्लांट बनाते रहिए। और देखिए इस समय बारिश के मौसम में इसकी पत्तियाँ कितनी चमक रही हैं और कितना ज़्यादा हेल्दी हुआ है। ये कटिंग मैं लेके आई थी फ्रेंड्स, और एक ये मैंने लगाया था तो देखिए ये भी लग गया है और ये भी लग गया है कटिंग, जो हमने ये डबल पेटल वाला चंपा का लगाया था, और ये भी शायद चंपा का ही फ्रेंड्स। और ये सारे वेस्ट मटेरियल में आप देखिए जितना भी कटिंग हमने लगाया है सब लग गया है फ्रेंड्स। अनानास का कटिंग है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। और ये मैं जूस के दुकान से लेके आई थी फ्रेंड्स। और इधर देखिए पर्पल हार्ट की कटिंग लेके लगा लीजिए, बहुत ही अच्छा इस समय मौसम है सारे भी किसी भी कटिंग को लगाने के लिए फ्रेंड्स। वैसे तो साल भर हम लोग कटिंग को लगाते ही रहते हैं, लेकिन ये वाला जो मौसम है इसमें कटिंग बहुत आराम से लग जाएगा फ्रेंड्स। और मैक्सिकन पिटोनिया के ढेर सारे कटिंग को आप लेके लगा लीजिए फ्रेंड्स। और देखिए इस छोटकू से बॉटल में हमने यहाँ पे भी मनी प्लांट को रखा हुआ है, और इसका भी मैंने आपको रूट दिखाया था, ये देखिए कितना अच्छा इसमें रूट आया हुआ है। और इसमें भी देखिए फ्रेंड्स, तो इस तरीके से वेस्ट मटेरियल का रीयूज करें और फ्री की गार्डनिंग करें और ढेर सारे कटिंग को लगाएं, प्लांट को लगाएं। और इधर देखिए ये मेरा ख़राब हो गया था, मैं नहीं थी तो, मीठी नीम का प्लांट, लेकिन कटिंग कर दिया है तो ये भी अब सही हो गया है फ्रेंड्स। और इधर देखिए इसमें भी ढेर सारा कटिंग मैंने लगाया था, लालसा की कटिंग देखिए लग गया है, और इसी में से ढेर सारा ले लेके देखिए कट कर करके ढेर सारे पर्पल हार्ट को लगाया है। और ये देखिए कितने खूबसूरत मनी प्लांट और पर्पल हार्ट और लालसा के प्लांट लग रहे हैं। और ये 9 o'clock मेरे ख्याल से, ये देखिए फ्रेंड्स हाइब्रिड वाला है, ये शायद लग रहा है कि ख़राब हो गया। और इधर भी देखिए इसमें भी मैंने अभी 2 दिन पहले ही कटिंग लगाया है फ्रेंड्स, और देखिए कितना अच्छे से चल गया है। और ये देखिए वेस्ट ये एसी के डब्बे में से निकला था, और इसका मैंने रियूज कितना अच्छा किया है पेंट करके, और 2 पॉट तैयार कर दिया है। और इस पॉट में मैंने 3-3, 4-4 प्लांट को एक एक में लगाया है, मनी प्लांट, पर्पल हार्ट और ये देखिए लालसा की कटिंग को फ्रेंड्स देख सकते हैं। और इसमें भी मैंने इसमें वो लगाया है सिंगोनियम की कटिंग को फ्रेंड्स। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ढेर सारे कटिंग को इस महीने में लगा लें, क्योंकि इस समय जो फर्टिलाइज़र हमें मिल रहा है बारिश के रूप में, ये हमें सिर्फ बारिश में ही मिलती है और सावन के महीने में ही मिलती है फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें इस बारिश के पानी में इतना ज़्यादा नाइट्रोजन होता है कि जो नाइट्रोजन हम देते हैं एनपीके वगैरह, वो इस पानी में कभी भी नहीं मिल सकते, क्योंकि ये जो हमारा बारिश का पानी है, ये वाला जो नाइट्रोजन है फ्रेंड्स, ये मरे हुए प्लांट को भी ज़िंदा कर देता है। कुछ भी इस समय हमें फर्टिलाइज़र वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है, बस प्लांट की गुड़ाई वगैरह करते रहिए और कटिंग्स को ढेर सारे लगाते रहिए, और कोशिश कीजिए कि अपने ही प्लांट से लेके कटिंग को लगाते रहें फ्रेंड्स। तो मैंने आज सुबह सुबह ही कटिंग को जब लगा लिया तब मैंने सोचा कि चलिए मैं वीडियो ही बना देती हूँ कि मैंने ये सब कटिंग को लेके अभी तुरंत ही सुबह मैं लेके आई हूँ और मैं इसे लगा दूँ फ्रेंड्स। और जो 2 दिन पहले लगाया है फ्रेंड्स ये सब लग गया, और मैं अभी 2 तारीख को ही, सॉरी 1 तारीख को ही आई हूँ यहाँ पे लखनऊ में, और देखिए मैंने कितना सारा कटिंग यहाँ पे लगा दिया फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। और वहाँ पे जौनपुर में भी आपने देखा है कि मैं हर दिन ही वहाँ पर भी कटिंग लगाती रहती हूँ, और इस गुड़हल को, गुड़हल की कटिंग को भी फ्रेंड्स आप लगा लीजिए। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए इस टाइप के कीड़े ही हमारे प्लांट को खाते रहते हैं, ये देखिए। तो जो मैंने नीम की पत्तियाँ निकाला है वो मैं इस पर स्प्रे कर दूँगी, ये देखिए। तो इसे मैं तोड़ के ही फेंक दे रही हूँ फ्रेंड्स, ये देखिए। तो इसे मैं गेट के बाहर फेंक दे रही हूँ फ्रेंड्स, ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स,
तो इस तरीके से बस आप गार्डनिंग कीजिए। और ये मैंने दिखाया आपको कि सारी पत्तियों को मैं पीस के स्प्रे करूँगी प्लांट पे। और ये देखिए एक नीम का कटिंग यहाँ पे है फ्रेंड्स, और ये मैंने जो तिल का प्लांट लगाया था अभी मैं इसमें ऐसे बांध दूँगी और ये कटिंग भी लग जाएगा और इसका इसे स्टैंड भी मिल जाएगा फ्रेंड। तो बस इस तरीके से आप प्लांट लगाइए। और ये शायद फाइकस का प्लांट है, देखिए कितना हेल्दी लगा हुआ है फ्रेंड्स। तो बस आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।